नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप ये टू पुल देख रहे हैं, ये हमारे जो 11 केवी लाइन है उसका है। इसमें 3 ग्राउंडिंग किया हुआ है, उसका मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। इसमें अरेस्टिंग भी लगाएंगे, यानी कि एल ए लगाएंगे। और दोस्तों यह है हमारी ट्रेंच, ठीक है। इससे हमारी HT लाइन जाएगी ट्रांसफार्मर से पैनल तक, ठीक है। ये पैनल के जो पैनल रूम हो गया, और इसके बगल में दोस्तों मीटर रूम है। मैं पूरा डिटेल दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ DG के पैनल रखे हैं, और यहाँ पे जो सारे पैनल रखे जाएंगे वो उसकी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से रखे जाते हैं। ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे एंगल, और एंगल के ऊपर दोस्तों चैनल लगाएंगे जिस पे हम इसको पैनल को रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बारीकी की चीज़ होती है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। और इसके देखिए DG का हो गया पैनल, LT HT पैनल और DG पैनल, ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर तरीके से बता दूँगा, और किस किस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा सारा कुछ बताएंगे। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग किया है हमने, तो इसके बाद में दोस्तों एक आपको यहाँ पे मीटर पैनल भी दिखाता हूँ। ये छोटा है, ये मीटर पैनल है। इसमें दोस्तों इसका भी हम बताएंगे कि क्या प्रोसेस है इसका। और इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ से जो हमारी 440 वोल्टेज दोस्तों ये चले जाएगी दोस्तों टावर में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से टावर में जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।